काफी सारे लोग कंफ्यूज है कि जावा 42 2.1 कौन सी है और जावा 42 कौन सी है और कौन सी बाइक डिसकंटिन्यू हुई है 42.1 या 42 सिर्फ, क्या हुआ है जावा की बाइक्स में, यहाँ पर डिफरेंसेस क्या क्या हैं, आज हम बात करने वाले हैं इस बाइक के बारे में। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखेगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छी होने वाली, बिकॉज आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले एकदम क्लियरली आपको बता दूँ, ये है जावा 42 2.1 और ये है जावा 42। अब जावा 42 जो आती थी उसके अंदर स्पोक व्हील वाला वेरिएंट भी आता था, तो स्पोक व्हील वाला वेरिएंट अब नहीं आता है, उसकी जगह ये न्यू जावा 42 इंट्रोड्यूस कर दी है एलॉय व्हील्स के साथ, और इसके साथ जो है जावा 42 2.1 अभी भी आती है। दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर चार कलर्स आते हैं एंड दोनों ही वेरिएंट्स अभी भी आते हैं इंडियन मार्केट में। क्या क्या मेजर डिफरेंस है दोनों बाइक्स के अंदर, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लूँ, तो जावा 42 2.1 जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसका प्राइस है 2,42,000 रुपीज़ ऑन रोड जयपुर। एंड यहाँ पर जो आपको जावा 42 देखने को मिलती है, इसका प्राइस है ऑलमोस्ट 2,44,000 ऑन रोड जयपुर। यहाँ पर सामने से आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, बट इन डिटेल अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको तब समझ में आएगा कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लूँ, तो जो अलॉय व्हील्स है इसके अंदर आपको जो डिज़ाइन है थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, उसके अंदर आपको मशीन कट देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर आपको कोई भी एलिमेंट नहीं देखने को मिलता है प्रॉपर मशीन कट वाला, जो कि यहाँ पर 42 के अंदर देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स ऑलमोस्ट सेम आते हैं, यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम जो है ऑलमोस्ट सेम आता है। इसके साथ रेडिएटर में डिफरेंस है, रेडिएटर जो है 42 का थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पर 42 2.1 का आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रेडिएटर आता है। एंड 42 के बारे में बात करूँ तो काफ़ी एक कॉम्पैक्ट स्लीक रेडिएटर आता है। इसके नीचे आपको जो है सम गार्ड नहीं देखने को मिलेगा फाइबर वाला, वहीं 42 के अंदर कंपनी फिटेड सम गार्ड आता है। इसके साथ जो आपको देखने को मिलता है इंजन के अंदर एक डिफरेंस, इंजन आप देख सकते हैं 42 का जो है एक सिंपल लुक वाला आता है, वहीं 42 2.1 का एक सिंपल दिखने वाला आता है, वहीं 42 के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मशीन कट आपको देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर जो है फ्यूल टैंक के डिज़ाइन में डिफरेंस है, कुछ इस प्रकार से फ्यूल टैंक आता है 42 2.1 का, 42 का जो फ्यूल टैंक है कुछ इस प्रकार से आता है, जो डिज़ाइन है इसमें काफ़ी एक अच्छा लुक देखने को मिलता है। बाकी 42 की ब्रांडिंग जो है दोनों बाइक्स में सेम यहाँ पर आती है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है दोनों बाइक्स के सेम है, इंजन पावर इंजन परफॉर्मेंस दोनों बाइक्स की सेम है। 42 जो नई वाली है आपको थोड़ी सी ज़्यादा रिफाइंड महसूस होगी, इसका जो इंजन है आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड लगेगा कि भाई वाइब्रेशंस कुछ कम लगेंगे। साथ में यहाँ पर जो है आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो है यहाँ पर रियर सेक्शन में, सबसे मेजर जो नोटिसेबल है 42 2.1 का जो लुक है, फेंडर जो है काफ़ी नीचे तक आता है, वहीं 42 के बारे में बात करें तो एक आपको शॉर्ट फेंडर देखने को मिलता है यहाँ पर यहीं तक एंड सीधे यहाँ पर प्लास्टिक की आपको लुक देखने को मिलती है। सो रियर से लुक जो है 42 का कुछ इस प्रकार से आता है एंड 42 2.1 का कुछ इस प्रकार से आता है, एंड ये दोनों ही 42 2.1 कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पर ये दोनों जो है ये 42 है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। 42 पहले से यहाँ पर रेस कर दी गई है, अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन द टायर एंड द फेंडर, तो आपको सस्पेंशन सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे लगेगा कि ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल हो चुका है। एंड बाकी दोनों ही बाइक्स में एग्जॉस्ट सेटअप ऑलमोस्ट सेम आता है, इसके अंदर हीट प्रोटेक्टिव पेंट भी आपको देखने को मिलता है। बाकी सीट जो है दोनों बाइक्स में सेम आती हैं, सो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर स्ट्रिप आपको देखने को नहीं मिलती है एंड यहाँ पर 42 2.1 के अंदर आपको एक स्ट्रिप देखने को मिलती है यहाँ पर सीट की अगर हम बात करें। बाकी विजुअल डिफरेंस तो मैंने आपको बताए, इंजन डिफरेंस इंजन परफॉर्मेंस आपको जो है थोड़ी बेटर देखने को मिलती है 42 के अंदर, बट मुझे पर्सनली 42 2.1 ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर 42 की ब्रांडिंग आती है, यहाँ पर 42 क्लासिक लेजेंड्स की ब्रांडिंग आती है। सो कुछ इस प्रकार से जो है मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों बाइक्स के अंदर, दोनों बाइक्स आती हैं, दोनों बाइक्स अभी भी अवेलेबल हैं। जो भी कह रहे थे कि भाई 42 2.1 डिसकंटिन्यू हो चुकी है, बिल्कुल नहीं हुई है भाई, ये आप देख सकते हो सामने मेरे यहाँ पर खड़ी है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। एंड न्यू 42 जो है वेरी इंप्रेसिव, आप चला के देखिए, आपको लिटरली बहुत ज़्यादा मेजर चेंज फील होगा एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड 42। दिस इज़ अ कम्प्लीट लिटरली अ कम्प्लीट प्रॉपर न्यू बाइक। एंड जो इसका इसके भी जो कलर्स मैं आपको दिखाता हूँ, मैट ब्लैक आता है, यहाँ पर ग्लॉस ब्लू आता है, मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लगा लिटरली। एंड जो कॉस्मिक कार्बन जैसा कलर है 42 के अंदर भी आता है, जो 42 2.1 के अंदर आपको देखने को मिलता है, जो मैंने दिखाया तो जो बाहर खड़ा हुआ है दैट इज़ 42 2.1, एंड जो मैंने आपको पहले दिखाई वो 42 है नॉर्मल वाली।
सो कुछ इस प्रकार से डिफरेंस है, कुछ इस प्रकार से कलर्स आते हैं। आपको कौन सा वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डू फॉलो मी इंस्टाग्राम, सपोर्ट करिए। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आपको रील्स देखने को मिलेंगी, पोस्ट देखने को मिलेंगी। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे DM कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, सो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट। मिलते हैं आपसे वीडियो में, थैंक यू फॉर माय पार्ट। सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टिल लर्न, बी हैप्पी एंड राइड सेफ। बाय बाय।